गुड मॉर्निंग स्टैंडर्ड 7 सब्जेक्ट हिंदी चैप्टर नंबर 1। आज चैप्टर नंबर 1 रिवीजन सेमेस्टर 1 का करेंगे हम। ओके, आपका चैप्टर का नाम है चित्र के संग संग चित्रपाठ। ओके, यहाँ चित्र के संग संग चित्रपाठ के बारे में आप टेक्स्ट बुक ओपन कीजिए। देखिए, इसमें पिक्चर दिखाया जा रहा है, चित्र दिखाया जा रहा है ना। इसमें ये दिखाया गया है कि चित्र के अवलोकन करके प्रश्नों के उत्तर लिखना है। चित्र में जो दिखाया गया है उसके पहले, जैसे फर्स्ट प्रश्न आपका है, पहले चित्र में कौन कौन सी क्रियाएं हो रही है ना। तो आप यहाँ देख रहे हो कि इससे चित्र में दिखाया जा रहा है कि कौन कौन सी क्रिया हो रही है, क्या कर रहे हैं, कौन गाड़ी चला रहा है, कौन स्कूटर से जा रहा है। ओके, तो हम इसके बारे में चर्चा करेंगे और रिविज़न करेंगे। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अभी प्रश्नों का उत्तर, चित्र का अवलोकन के प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न है, लिखिए चित्र, पहले चित्र में कौन कौन सी क्रियाएं हो रही है। प्रश्न नंबर 1 लिखिए रिविज़न में। प्रश्न 1, यहाँ मैं एक बार लिख देती हूँ आपको, चित्र के अवलोकन करके प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ओके, पहला प्रश्न आपका है, मैं ब्रश लिख देती थी और बोल के लिखाती हूँ। पहले चित्र में कौन सी क्रियाएं हो रही है ना, क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। चलिए इसमें हम देखेंगे कि कौन कौन सी क्रियाएं हो रही है। प्रश्न के तरफ ध्यान दीजिएगा। पहले चित्र में, इसका आंसर ओरल में बोल रही हूँ आपको। पहले चित्र में निम्नलिखित क्रियाएं हो रही हैं। देखिए, पहले चित्र में निम्नलिखित क्रियाएं हो रही हैं। पहले चित्र में निम्नलिखित हो रही है। अब हमें ये देखना है कि कौन कौन सी हो रही है ना। ठीक है, पहला साइकिल में मैं हो जाती हूँ, बोल रही हूँ, आप लिखते जाइएगा ना। साइकिल की दुकान, साइकिल के टायर, लिखे नंबर 1 लिखिए। हाँ, यहाँ ऐसे नंबर 1 लिख दीजिए। साइकिल की दुकान की दुकान साइकिल की दुकान वाला लिखे वाला साइकिल साइकिल की दुकान साइकिल वाला साइकिल के टायर टायर के पंप से हवा भर रहा है। टायर के पंप से हवा
है ना, यह हो गया आपका फर्स्ट। सेकंड में लिख लीजिए, एक गुब्बारे वाला गुब्बारे बेचने जा रहा है। सेकंड नंबर में लिखिए, एक गुब्बारे वाला गुब्बारा एक गुब्बारे वाला गुब्बारा बेचने जा रहा है। यहाँ देखिए बेचने गुब्बारा बेचने जा रहा है। देखिए गुब्बारे हवा से उड़ रहे हैं, इसी में लिखिए गुब्बारे हवा से उड़ रहे हैं। गुब्बारे हवा से उड़ रहे हैं। नेक्स्ट लिख लीजिए, सड़क पर एक व्यक्ति बाइक पर बैठकर जा रहा है। थर्ड नंबर में लिख लीजिए, सड़क पर एक व्यक्ति मीन्स आदमी है ना, तो व्यक्ति भी लिख सकते हो या आदमी भी लिख सकते हो। एक व्यक्ति है ना, एक व्यक्ति लिखिए सड़क पर एक व्यक्ति बाइक पर बैठ कर जा रहा है। फिर फोर नंबर में लिख लीजिए, एक सब्जी बेचने वाली टोकरी में सब्जियां लेकर उन्हें बेचने जा रही है। फोर नंबर में लिख लीजिए, एक सब्जी बेचने वाली दिख रहा है ना, एक सब्जी बेचने वाली टोकरी में सब्जी यहाँ लेकर उन्हें बेचने जा रही हैं। एक सब्जी बेचने वाली एक टोकरी में लिखे, एक टोकरी चलिए नेक्स्ट आगे लिखिए। चलिए 5 नंबर में लिख लीजिए, दुकान के डंडे पर तोता बैठा है। ओरल में बोल रही हूँ, फटाफट लिखिए स्लो में, है ना। दुकान पर 5 नंबर में लिखिए, दुकान पर डंडे पर तोता बैठा है। दुकान के यहाँ पर लिखो, दुकान के डंडे पर तोता बैठा है। वहाँ पिक्चर देखिए, एक दुकान है, वहाँ डंडा रखा हुआ है। तोता मीन्स पैरोट है ना, तो वहाँ क्या है, वहाँ बैठा हुआ है। ओके, उसको देख के आपको लिखना है। 6 नंबर में है,
बाइक के पीछे एक रिक्शा जा रहा है। देखिए तो है, बाइक के पीछे एक रिक्शा जा रहा है, रिक्शे में एक यात्री बैठा है। क्या लिखेंगे? सिक्स नंबर में आपके लिए है, नहीं, बाइक के पीछे एक रिक्शा जा रहा है। लास्ट बेंच सेवन में लिख लीजिए, बाइक के पीछे एक रिक्शा जा रहा है, रिक्शे में से एक यात्री बैठा है। एट नंबर में लिखिए, रिक्शे लिखिए, रिक्शे के पीछे दो कारें हैं, रिक्शे के पीछे दो कारें, नहीं उसके पहले लिखो, बाइक के पीछे एक रिक्शा जा रहा है। सेवन हो गया, लिखा एट नंबर में लिख लीजिए, एक कुत्ता रास्ते में लेटा हुआ है। ओके, नाइन नंबर में लिखिए, नहीं नहीं वो अलग, हाँ उसी में साथ। फिर रिक्शे के पीछे दो कारें हैं लिख लिया, उसके बाद लिखिए, एक कुत्ता रास्ते में लेटा हुआ है। लास्ट लिख लीजिए, सड़क पर एक मोची अपने सामान के साथ बैठा है। सड़क नाइन में लिखिए, सड़क पर एक मोची नाइन बोल रही हूँ, सड़क पर एक मोची अपने सामान के साथ बैठा है, और शायद ग्राहक की राह देख रहा है, चलिए अब ये आपका कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट लिखिए, गुब्बारे हवा में उड़ रहे हैं, प्रश्न ही है, गुब्बारे हवा में उड़ रहे हैं, इसका आंसर लिखिए, गुब्बारे हवा में उड़ रहे हैं क्योंकि उसमें गैस भरी हुई है। क्यों उड़ रहे हैं? क्योंकि उसमें गैस भरी हुई है। लिख लिया, क्योंकि उसमें क्या भरे हैं? गैस, है ना? ओके, सेकंड में, थर्ड में लिखिए, यहाँ प्रश्न फिर लिख रही हूँ मैं, हाँ उनकी इरेज कर देती हूँ। लिखा, थ्री नंबर का क्वेश्चन लिखो, ट्यूब में
हवा है ना, ट्यूब में हवा कब और क्यों भरी जाती है? कब और क्यों भरी जाती है? इसका आंसर यह हुआ कि ट्यूब में, जब ट्यूब में हवा कम हो जाती है, लिखिए आंसर में, लिखिए जब, यहाँ से लिखिए जब ट्यूब में हवा कम हो जाती है ना, ट्यूब में हवा कम हो जाती है या बिल्कुल नहीं रहती, या नहीं रहती, या बिल्कुल नहीं रहती, तब उसमें हवा भरी जाती है, तब उसमें हवा भरी जाती है, तब उसमें हवा भरी जाती है। चलिए आगे देखिए, ट्यूब में हवा भरने से टायर कड़ा बनता है। देखिए ट्यूब में हवा भरने से है ना, भरने से कड़ा या ठोस बनता है, ठोस बनता है ना। चलिए नेक्स्ट लिख लीजिए, टायर कड़ा होने पर ही साइकिल ठीक से चलती है। टायर कड़ा होने होने पर ही ठीक से चलती है। ठीक से चलती। फोर नंबर में लिखिए, चित्र में कुत्ता मुंह लटका कर क्यों लेट गया है? क्वेश्चन नंबर फोर, चित्र में है ना, लिख लिया आप लोगों ने, फटाफट लिख लीजिए। क्वेश्चन नंबर फोर में औरत बता देती हूँ, लिख लो। हाँ, चित्र में कुत्ता मुंह लटका कर क्यों लेट गया है? चित्र में कुत्ता मुंह लटका कर क्यों लेट गया है? देखिए चित्र में कुत्ता मुंह लटका कर लेट गया है क्योंकि वो क्या कर रहा है? आराम कर रहा है। क्या कर रहा है? आराम कर रहा है। क्योंकि वो आराम कर रहा है।